हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल नोट्स अकेडमी मैं हूँ एडवोकेट रश्मि वोहरा आज मैं आपको मनी रिकवरी सूट का फॉर्मेट बता रही हूँ उसका प्रोसेस क्या है कौन कौन से मैटर्स जो हैं मनी रिकवरी के अंडर आएंगे वो आपको इससे रिलेटेड बताऊंगे मनी रिकवरी में कौन से मैटर कौन से कोर्ट में जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगी कि जैसे कि मनी रिकवरी का है तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मनी रिकवरी सूट के लिए देखिए आपको सामने शो हो रहे होंगे नोट्स भी है मेरे नोट्स के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ इसमें प्रोसेस फॉर मनी रिकवरी सूट क्या है प्रोसेस में सबसे पहले इसमें देखना पड़ता है कि मैटर किस टाइप का है और वो कौन से कोर्ट में जाएगा तो सबसे पहले मैं आपको मैटर्स बताती हूँ जो कि इसके अंदर सेक्शन इलेवन uh, सी के अंदर बताए गए हैं कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट के अंदर देखिए मनी रिकवरी आपकी किस टाइप की है पहले आपको ये देखना पड़ेगा जैसे कि मैटर क्या है पहला मैटर है एनी टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन जैसे कि अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन है हो गई बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गई उसके बाद बैंकिंग ट्रांजेक्शन है कोई या ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन है ट्रेडि ट्रेडिंग हुई है बिजनेस की मर्केंटाइल ट्रांजेक्शन हुई है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के टाइप की ट्रांजेक्शन है या फिर या फिर आर्बिट्रेशन uh, uh, से रिलेटेड कोई मैटर है तो ये सारे मैटर्स हैं कमर्शियल कोर्ट के अंडर आने वाली ठीक है तो अगर इस टाइप का आपका कोई मनी रिकवरी का केस है आपको इस टाइप के कोई मैटर से आपको अपनी मनी रिकवर करवानी है पार्टी से दूसरी पार्टीज में यानी आप दोनों के बीच में कोई इस टाइप की ट्रांजेक्शन हुई है दो पार्टीज के बीच में और आपका पैसा नहीं मिल रहा है इन ट्रांजेक्शन की वजह से और आपके पास प्रूफ भी है उसका तो आपके ये सारे मैटर्स जो है जो भी मैंने ये सामने आपको सिक्स मैटर्स की लिस्ट दिखाई है दीज ऑल मैटर्स will come under the Commercial Courts Act. इनके लिए आपको सिविल सूट फाइल नहीं करना है इन मैटर्स के लिए आपको मनी रिकवरी का सूट तो फाइल होगा रिकवरी ऑफ मनी लेकिन ये जाएगा कमर्शियल कोर्ट के अंदर क्योंकि ट्रांजेक्शन जो है कमर्शियल ट्रांजेक्शन के अंदर आती हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन है मेनली ये तो बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स को कमर्शियल कोर्ट में ही देखा जाता है इसके लिए सिविल कोर्ट में सूट फाइल करने की आपको जरूरत नहीं है दूसरी बात ये होती है इसके अंदर कि अगर मैटर आपका तीन इस कम इन इन मैटर्स में तो अमाउंट कितना भी हो आपका तो वो जाएगा ही कमर्शियल में अगर आप सिविल सूट डालने की सोच रहे हैं मनी रिकवरी के लिए तो मन उसमें भी एक कंडीशन होती है कि अगर आपका मैटर तीन लाख से कम का अमाउंट है सूट का यानी रिकवरी आपकी तीन लाख से कम की है तो वो सिविल कोर्ट के अंदर जाएगा सूट आपका अदरवाइज ये सूट आपका कमर्शियल कोर्ट में ही जाएगा ठीक है ये दो कंडीशन मेन होती है कमर्शियल सूट के लिए ये आपको लिस्ट सामने शो हो रही है सिक्स मैटर्स है ये सारे मैटर्स जो है कमर्शियल कोर्ट में जाएंगे ठीक है सिविल सूट में आप केस फाइल नहीं कर सकते सिविल सूट और कमर्शियल <coughs> कोर्ट के सूट के प्रोसेस और जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है ठीक है तो ये मैं आपको आगे मैं <coughs> इसका प्रोसेस बता देती हूँ ये आपको शो हो रहा है कमर्शियल कोर्ट जो है इस ये हैंडल करता है इन सब मैटर्स को जो आपको लिस्ट ऊपर दिख रही है सेकेंड थिंग इसका इलेवन सी के अंदर ये सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं ये सारी डिटेल दी गई है कि कौन कौन से मैटर्स कमर्शियल कोर्ट के अंदर आएंगे ठीक है कौन कौन से मैटर्स को कमर्शियल कोर्ट हैंडल करता है ओके okay. नेक्स्ट में लिखा है कि अगर कोई मैटर आप गलती से अगर जो कि कमर्शियल कोर्ट की इस लिस्ट के अंदर आता है इलेवन सी सेक्शन में वो अगर गलती से आपने सिविल सूट में फाइल कर दिया है सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर दिया है तो सिविल कोर्ट क्या देखेगा कि ये ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन है ट्रेडिंग है इस इलेवन सी ऑफ कमर्शियल कोर्ट के एक्ट के अकॉर्डिंग आती है तो तो सिविल कोर्ट ही इसको डिसमिस कर देगा और आपको बोलेंगे कि आप इसका कमर्शियल सूट फाइल कीजिए ठीक है तो ये कमर्शियल कोर्ट के अंदर जाने वाले मैटर्स हैं इसलिए कोर्ट ही इसको डिसमिस कर देगा सिविल कोर्ट या फिर ये तीन लाख से नीचे का है तो सिविल कोर्ट इसको देखेगा लेकिन अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई फिर भी ये कमर्शियल में ही जाएगा दूसरी बात कि इसमें कोर्ट अगर डिसमिस कर देता है और अगर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं या जज के ऊपर डिपेंड करता है कि जज अगर आपकी बात सुन लेता है तो आपको एक एप्लीकेशन के थ्रू भी आप अपना मैटर ट्रांसफर करवा सकते हैं कमर्शियल कोर्ट के अंदर ठीक है ये में लिखा हुआ है विल बी डिसमिस्ड बाय द सिविल कोर्ट एंड कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द फाइलिंग ऑफ ट्रांसफर एप्लीकेशन यानी कि आप एक ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल करके भी अपना केस को ट्रांसफर करवा सकते हैं अगर जज इसमें एक्सेप्ट कर लेता है अप्रूवल दे देता है नेक्स्ट इसमें प्रोसेस क्या है कमर्शियल सूट का आपको क्या करना है कमर्शियल सूट फाइल करने के लिए अब वो प्रोसेस देख लीजिए सारा सबसे पहले आपको लीगल सर्विस अथॉरिटी के ऑफिस में जाना है कोर्ट के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का ऑफिस होता है जहाँ पे मीडिएशन या मीडिएशन के लिए सबसे पहले जाते हैं कोर्ट क्या कहता है कि आप पहले मीडिएशन में जाके अपना मैटर को सेटल कीजिए अगर सेटल नहीं होता दोनों पार्टीज एग्री नहीं होती आपका कोई सेटलमेंट नहीं होता तो आप हमारे पास आइए फिर आपका केस जो है कोर्ट के अंदर चलेगा तो आपको पहले जाके सबसे पहले दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी के ऑफिस में जाना है अगर आप दिल्ली में हैं जिस स्टेट में भी हैं उस स्टेट के लीगल सर्विस अथॉरिटी के ऑफिस में जाएंगे अपने कोर्ट के अंदर उसी जुरिजिक्शन के कोर्ट में वहां से सेकंड है आपको आपको एक फॉर्म लेना है प्री मीडिएशन का जिसकी फीस एक हजार रूपये है ऑलमोस्ट एक हजार है अब बढ़ गई हो तो मैं कह नहीं सकती तो एक हजार रूपये इसकी फीस है फॉर्म की वो आप फिल करेंगे लेंगे उसमें आप थर्ड पॉइंट है कि आप सारी डिटेल्स दोनों पार्टीज की नेम एड्रेस फोन नंबर सब कुछ फिल करेंगे मैटर अमाउंट जितना भी है मैटर क्या है अमाउंट क्या है ठीक है ये सारी फिल्स डिटेल फिल करने के बाद में आप उसके वैल्यूएशन अपने सूट की जितनी है जितना आपको रिकवरी करनी है उसके अकॉर्डिंग आपको कोर्ट फीस जमा करनी पड़ेगी ठीक है कोर्ट फीस जमा करने के बाद में फिर आपको मीडिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा मीडिएशन सेंटर वाले पार्टी को अपोजिट पार्टी को या एक्यूज को जिससे आपने पैसा लेना है उसको वो नोटिस भेजेंगे ठीक है नोटिस भेजेंगे जब अपोजिट पार्टी को एक बार दो बार तीन बार अगर वो दो तीन बार तक नहीं आता तो वो आपका मैटर स्टॉप करके कोर्ट में ट्रांसफर कर देंगे उसके लिए वो लिख देंगे कि स्टॉप मैटर जो है नॉन स्टार्टर रिपोर्ट के भाई मीडिएशन स्टार्ट ही नहीं हुई कि वो पार्टी आई ही नहीं अगर कोर्ट में ठीक है दो तीन बार नोटिस भेजने के बाद अगर पार्टी नहीं आती है तो नॉन स्टार्ट रिपोर्ट जो है इशू कर दी जाएगी मीडिएशन सेल के द्वारा देन वट यू हैव टू डू अगर वो ऐसा कर देते हैं फिर आपको प्लेन्टिव को अगर और साथ में डाउट होता है कि भाई नहीं मेरे को मीडिएशन में नहीं जाना जो अक्यूज है उसको पता चल गया कि मैं उसके ऊपर केस फाइल करने वाला हूँ ये सेवंथ पॉइंट में लिखा है कि इफ ये डाउट्स के अपोजिट पार्टी जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकती है कि भाई मैं उससे उससे पैसा लेना चाहता हूँ तो वो अपना बैंक अकाउंट बंद कर दे प्रॉपर्टी सेल कर दे या खुद गायब हो जाए कुछ भी अगर वो कर सकती है डाउट है तो वो मीडिएशन का फॉर्म भरे बिना मतलब दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी के ऑफिस में जाए बिना वो कोर्ट में एक, एक एप्लीकेशन दे सकते हैं जिसमें कि वो लिखेंगे स्टेटमेंट लिखेंगे अपनी कि मैं <coughs> मीडिएशन में सेटलमेंट नहीं करना चाहता मुझे डाउट है कि वो पार्टी भाग ना जाए कहीं यहाँ से छोड़ के मेरा पैसा देने के लिए ठीक है नेक्स्ट आपको बताती हूँ पॉइंट कि आपको फाइल कैसे करना है उसके बाद में कमर्शियल कोर्ट के अंदर सूट फाइल कैसे करना है उसके लिए सबसे पहले आपको प्रॉपर प्रिकॉशन लेनी है मतलब पूरा ध्यान रखना है कि केस कैसे फाइल किया जाता है ये सिविल सूट की तरह सिंपल नहीं होता इसके अंदर थोड़े से चेंजेस होते हैं दूसरा है ये डिफरेंट है सिविल सूट से थर्ड पॉइंट में लिखा है कि इसमें टाइटल स्पेसिफाई करेगा सारा कि टाइटल uh, से स्पेसिफाई हो जाएगा कि ये मैटर जो है रिलेट करता है कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 के द्वारा ठीक है उससे टू सी के सेक्शन uh, के अकॉर्डिंग ये जो टाइटल लिखा जाएगा इसमें नेक्स्ट है कि आपको अमाउंट इसके अंदर क्लियरली मेंशन करना है कि कितने का आपका सूट है ठीक है आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे कि सूट कितने का है आपका अवेल्यूएशन क्या है फिर इसमें आपको बताना है ज्यूरिजिक्शन यही है कोर्ट की ठीक है ज्यूरिजिक्शन क्या है मेरा एड्रेस है तो ये जुरिजिक्शन में ही पड़ता है नेक्स्ट वैल्यूएशन बतानी है फिर आपको कोर्ट फीस आपने ये पे कर दी है ये बतानी है भी इसके अकॉर्डिंग पे कर दी गई है स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ आपको इसके अंदर देना पड़ता है ये सिविल सूट में नहीं होता इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ देनी पड़ती है प्लेंटिव को कि मैं जो भी डिटेल्स दे रहा हूँ वो ट्रू है वो प्लेंटिव के साइन भी इसके अंदर होंगे वेरिफिकेशन क्लोज जो आएगा उसके अंदर भी प्लेंटिव के साइन कंपलसरी है इसके अंदर ठीक है सिविल सूट की तरह नहीं है इसमें तो प्लेट इसमें दो ये दो तीन चीज़ें इसमें आती है स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ आएगा और वेरिफिकेशन क्लोज आएगा और जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है ठीक है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये भी इसके अंदर क्लियरली बताए जाएंगे इसका भी फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग ही बनेंगे ये सारा डिटेल लिख दी है सिक्सटी फाइव बी का जो इंडियन एविडेंस एक्ट का है जैसे उसमें देना पड़ता है हमें कि ये डॉक्यूमेंट्स हमने डाउनलोड किए हैं कैसे किए कब किए किसने किए किसके पास हैं डेट टाइमिंग ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनलिटी बतानी है इसके अंदर और पोजिशन बतानी है इसके अंदर मस्ट है इसके अंदर बताने की इस समय पोजीशन क्या है ये सारी चीजें आपकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी आएंगी उसके बाद इसमें क्या होता है इसमें ना स्पीडी प्रोसेस होता है एक ठीक है कमर्शियल कोर्ट्स के अंदर स्पीडी प्रोसेस होता है इसमें छह महीने का टाइम दिया जाता है वैसे कि आपका मैटर छह महीने सिक्स मंथ्स के अंदर कंप्लीट होके फिनिश हो जाएगा आपको मनी आपकी मिल जाएगी रिकवर हो जाएगी ठीक है कोशिश की जाती है लेकिन अगर मैटर्स बहुत ज़्यादा है कोर्ट के अंदर तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है अदरवाइज सिक्स मंथ्स में मैटर क्लोज कर दिया जाता है इसके अंदर वही लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में कि स्पीडी प्रोसेस uh, जो है इसमें फॉलो किया जाता है कोर्ट्स के द्वारा अप्रोक्सीमेट सिक्स मंथ्स में और नेक्स्ट है uh, जो सारी लीगल प्रोसीडिंग्स और प्रोसेस हो जाने के बाद में जो कोर्ट है फाइनलाइज कर देता है आपका सारा मैटर को ठीक है और केस जो है स्पीडी डिस्पोजल इसके अंदर हो जाता है केस का तो ये सिर्फ प्रोसेस ये सारा प्रोसेस है कमर्शियल कोर्ट का या म, आ, का मनी रिकवरी केस के लिए आई होप आपको समझ में आया होगा इसमें आर्बिट्रेशन में भी सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं आर्बिट्रेशन के लिए भी और मनी रिकवरी के लिए भी तो आपको अभी समझ में आ गया होगा ये कमर्शियल ट्रांजेक्शन के लिए आपको मनी रिकवरी का सूट कमर्शियल कोर्ट में फाइल करना है दूसरे मैटर्स जो हैं आपके अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन से डिफरेंट है तो ही आप सिविल सूट फाइल करेंगे अदरवाइज नहीं करेंगे तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की भी मैटर्स की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए शेयर कीजिए और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं मुझसे थैंक यू सो मच हैव नाइस डे टेक केयर बाय बाय